नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट को लेकर भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कौन सी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, कहां पर अधिक बारिश होगी तो कहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों में मानसून जो है बरसने वाला है। तो दोस्तों मौसम समाचार अपडेट के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप अपने जिले, राज्य या गांव का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली से। जी हां दोस्तों, दिल्ली अब भी बरसात को तरस रही है और मानसून का इंतजार थोड़ा लंबा हुआ है। हवाओं ने अपना रुख बदला है। उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली में जमकर बारिश होने वाली है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यहां पर हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन आने वाले 48 घंटों में दिल्ली में जो है अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का दबाव क्षेत्र हिमालय के तलहटी के दक्षिण की ओर थोड़ा और आगे बढ़ा है। यहाँ पर अब जो ये मानसून का दबाव जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक फैल गया है, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा बुलेटिन में अगले 4 से 5 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक जो है 20 जुलाई के बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का संभावना जताई गई है। वहीं अगले 3 से 5 दिनों में तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश होने की संभावना है। यहां पर भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश तो कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी से भारी बारिश होने का आसार मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोकण एंड गोवा, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तथा कोस्ट कर्नाटक में भारी बारिश होने की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई। इन इलाकों में जो आने वाले 48 घंटों में हमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जहाँ पर दोस्तों दिल्ली में एक और जहाँ लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्यों में बाढ़ से भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया है। बिहार और असम में बाढ़ से अभी तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 45 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए। हालांकि तथा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इलाके में 24 घंटे मुस्तैद हैं और पूर्वोत्तर और बिहार में नेपाल से पानी आने की वजह से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बिहार में जो है बाढ़ से अभी तक 25 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बाढ़ की चपेट में जो है ये राज्य आ चुके हैं। असम में बाढ़ से 31 जिलों में 43 लाख लोग अभी तक चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के कारण यहां पर अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और कांजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जानवरों का यहाँ पर बुरा हाल। असम में पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। राज्यों में प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक ओर जो है दिल्ली जैसे राज्यों में अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दोस्तों अभी हमने जितने भी आपको राज्य बताए हैं, यहाँ पर आने वाले अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। इस मौसम समाचार में बस इतना ही। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको आगे भी मौसम समाचार अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।